अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल टेक्निकल स्टूडियो। आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो के मोबाइल ओप्पो रिनो 3 प्रो। ये मोबाइल जो इसकी ख़ास चीज़ है वो इसकी कैमरा कैपेसिटी है। अगर हम देखें इसके जो डिस्प्ले को देखें और इसके जो कैमरे को देखें तो बहुत ही अमेजिंग लुक है इसकी। और ये इसका जो फ्रंट जो इसकी मेन चीज़ है ना वो है इसका पंच होल डिस्प्ले, डबल पंच होल डिस्प्ले, डबल कैमरे जो इसके फ्रंट में लगाए गए हैं, ठीक है ना। ये जो डबल कैमरा है ना, फ्रंट कैमरा जो इसका, वो एक कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का छोटा लेंस लगाया गया है और उसके साथ एक जो मेन कैमरा है वो है 44 मेगापिक्सल का। अदरवाइज़ हम देखें तो हमको जो नॉर्मली कंपनियां हैं वो हमको इसी रेंज में, इसी प्राइस टैग में इतना कैमरा जो है वो बाई बैक साइड पर दे रही होती हैं, यानी कि 48 मेगापिक्सल का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इसकी रियल कैमरे की बात करें, यानी कि बैक वाले कैमरे की बात करें, तो वो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलेगा। उसके उसके ऊपर एक 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस लगाया गया है जो कि किसी भी पिक्चर को क्लियर करने के लिए यूज़। इसके नीचे 2 मेगापिक्सल का एक छोटा लेंस लगाया गया है। उसके नीचे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए लेंस लगाया गया है। देखा जाए तो उन्होंने इसके बैक पर 4 डिवाइस के बैकअप पर सेट किए हैं और देखा जाए तो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि अभी नॉर्मल कंपनियों में ज़्यादा 2 कैमरे 3 कैमरे चल रहे थे, इन्होंने 4 कैमरे लगा दिए हैं। और देखा जाए तो इसकी बात करें इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले इसका 6.4 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है ये। और इसकी बात करें बैटरी की, तो बैटरी इसकी 4000 mAh रखी गई है, जो कि एक अच्छी बैटरी कैपेसिटी का रिकॉर्ड कायम करती है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है ना बैटरी की, वो नॉर्मल बैटरी की निस्बत जो है, इसकी जो कैपेसिटी है ना बैटरी को नॉर्मल की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो होती है ना बैटरी, इसका जो केमिकल होता है वो बहुत ही हैवी यूज़ किया जाता है। इसलिए देखें इसके हम सिम रिडक्शन की बात करेंगे तो इसमें हमको 2 सिमों की सहूलत मौजूद है, और इसमें जो मेमोरी कार्ड है इसकी सहूलत नहीं है। इसमें इसकी रैम की में हमको 8 GB रैम, 256 GB मेमोरी मिलेगी। और देखा जाए इसकी जो डिस्प्ले को, तो डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है और इसमें डबल पंच होल डिस्प्ले है इसका 6.4 इंचेस का। और इसकी जो कीमत की बात करें अगर हम, तो इसमें जो पाकिस्तान में लॉन्च कीमत है इसकी वो है तकरीबन 70,000 के अंदर आपको मिल जाएगा, 70,000 यानी कि 70,000 रुपये में आपको ये सेट मिल जाएगा। बात करें इसकी HD क्वालिटी की, तो ये 1080 मेगापिक्सल से लेकर 2400 मेगापिक्सल तक जो है वो चला सकता है, यानी कि 2400 तक ये इसकी HD जो है ना, HD+ वाला ऑप्शन इसमें मौजूद है, HD+ तक ये चला सकता है, यानी कि नॉर्मल HD से बहुत ज़्यादा ऊपर की जो होती है ना वीडियो वो चला सकता है। और इसमें बात करें इसके वर्जन की, तो इसमें एंड्रॉयड 10 हमको दिया गया है OS 7 के साथ, कलर OS 7 के साथ एंड्रॉयड 10 हमको दिया गया है, क्योंकि जो कि बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉयड के सिस्टम का, एंड्रॉयड मोबाइलों का अभी जो आ रहा है ये OS 7 जो है इसमें आ रहा है। और इसकी वेट की बात करें, इसकी वेट की, तो इसका जो वेट है 165 ग्राम जो है ना वो रखा गया है। अगर हम बात करें इसके अंदर मौजूद चिपसेट की, तो इसमें हमको स्नैपड्रैगन का 765G का जो 7 मिलियन का चिपसेट लगाया गया। अगर हम बात करें इसके अंदर मौजूद इसके मटेरियल की, मटेरियल किस चीज़ का यूज़ किया गया है, इसकी जो इसको जो ग्रीला ग्रास 5 के साथ इसके प्रोडक्शन की गई है ग्रीला ग्रास 5 की। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहिए मोहम्मद बिलाल टेक्निकल स्टूडियो। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं